विकी इसको बंद करिए, रुको। स्टार्ट करते हैं। विल कवर बोथ द थिंग्स टुडे। आज कुछ करंट अफेयर जो कल वाला बचा हुआ था, दैट विल ट्राई टू कवर टुडे। एंड सेकंडली इज जो गवर्नमेंट स्कीम्स की जो बुकलेट है, एवरीवन इज कैरिंग, ठीक है, है ना सबके पास, ठीक है। एंड दैट वी वुड बी कवरिंग, जितना हो गया आज वो कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज इंस्टेक्स। है लिखने वाला ये, एनी वन वॉट इट इज? मेरे को भी तो एक ही आता है, ऑप्शन मैं कहां से दे दूं? प्रवीण कॉफी दे दें। है अच्छा, इट इज बेसिकली अ पेमेंट मैकेनिज्म दैट हैज बीन सेट अप बाय द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाया है ऑन हाउ टू सिक्योर और हाउ टू डू ट्रेड विद ईरान। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर वेरी सेंक्शन वर बींग पुट, अलग अलग सेंक्शन लगाए गए थे ईरान के ऊपर। एंड नाउ वेरियस कंट्री फॉर द वेरी रीजन ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटी और न्यूक्लियर अदर थिंग्स दैट वर डन, हाउ सम कंट्रीज दे कैन कैरी ऑन देयर ट्रेड विद ईरान और विद यूरोपियन यूनियन कैन कैरी ऑन और इंडिया कैन कैरी ऑन द ट्रेड। So that focus of mechanism that has been set up is called INSTEX, firstly. Secondly, it is a trade which will be done between US and Iran, European Union and Iran. But there will not be any direct payment that would be done. There will not be any direct financial transaction would be done that would be done. INSTEX has basically been registered at Paris, been registered kiya hai, with initial amount of 3,000 euros it has been started. Initially it is used for those non-sanctionable trade, jinke upar koi sanction nahi lagai gayi. Goods ke liye use kiya jayega, including various humanitarian assistance that will be given to Iran, for example for medicine, for example for food, or for example medicine devices. इनके लिए यूज किया जाएगा, सो दैट ईरान कुड बी प्रोवाइडेड सर्टन कैटेगरी ऑफ द हेल्प दैट कैन बी। व्हाई देयर वाज अ नीड? बिकॉज ईरान वाज टाइम एंड अगेन सेइंग दैट यूएसए हैज पुट आउट फाइनेंशियल सैंक्शंस ऑन अस। बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सैंक्शन दैट हैज बीन पुट ऑन अस, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड इवन द बेसिक सर्विसेज दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ और फॉर एग्जाम्पल अदर्स। इसलिए द थर्ड वे आउट वॉज कैरी डाउन कि हम हाउ अदर कंट्रीज कैन हेल्प ईरान डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि हम यूएस के खिलाफ ना जा सके, उसके लिए चलाया गया है INSTEX। देखो जी, to allow trade between European Union and Iran, without relying on financial transactions, comma, a payment mechanism, ये ब्लैक टी ले आया, ब्लैक कॉफी, चीनी तो है नहीं इसमें, हैज बीन सेट अप बाय यूरोपियन यूनियन, अ पेमेंट मैकेनिज्म हैज बीन सेट अप बाय यूरोपियन यूनियन टू सिक्योर ट्रेड विद ईरान, नेक्स्ट पॉइंट, INSTEX is registered at Paris with an initial 3,000 euros and a supervisory board with members from France and Germany
and chaired by United Kingdom. Chaired by United Kingdom. Next point. It will initially be used for. It will initially be used for non-sanctionable trade. Including humanitarian goods such as medicine, food and medical devices. Next. Exercise Cutlass. It is कि क्या जरूरत पड़ गई क्योंकि सर अभी आरबीआई ने भी सर रिकमेंड किया हुआ है ये नीरव मोदी के केस के बाद की कोर बैंकिंग जो सॉल्यूशन है उसमें भी सर सारे कमर्शियल बैंक लिंक करेंगे सर तुमने पैसे लेने हैं किसी से और नहीं इससे नहीं किसी से मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं ठीक है एंड The amount that, for example, you have to take is 500 crore. ये ठीक है ना? But you want that there has to be a secure message that can be done. You do not want that everyone will be in a position to track that message. ठीक है? और आपने किसी से लेने हैं? क्या आप normal message send करना कोशिश करोगे या एक figured message करोगे? Encrypted. क्यों नॉर्मल कर लो हाँ सेम इज द केस कि देयर आर वेरियस ट्रांजेक्शन विच हैज टू बी डन ठीक है इन दोज ट्रांजेक्शन यू डू नॉट वॉन्ट और एनी वन शुड नॉट वॉन्ट कि किसी को भी पता लगे चाहे वो 500 करोड़ के चाहे 500 रुपए की है बट ऑन द अदर हैंड यू वॉन्ट अ सिक्योर मैसेज हैज टू बी डन फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल कॉलिंग करते हो दैट कैन बी वेरी इजिली ट्रेस्ड व्हाट्सएप कॉल करती है थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको ट्रैक करने के लिए दिस इज द केस दैट द मैसेज कैरियर दैट हैज टू बी देयर दैट हैज टू बी मेड मोर एंड मोर सेफ और कुछ ठीक है नेक्स्ट इट इज बेसिकली दिस कटलेस एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है ऑफ मल्टी कंट्रीज मल्टीपल कंट्रीज आर बींग इन्वॉल्व मल्टी नेशनल एक्सरसाइज बींग डन बेसिकली इट इज बींग डन इन द ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन And it is being led by USA. US sponsored है. US naval forces would be majorly participating in. किस लिए करी जा रही है? So that proper sharing of the information can be done, proper planning and proper operation can be done. और इसी जगह पे करने की जरूरत क्यों थी East Africa के? Because this is a region from where a good amount of trade is flowing, a good amount of oil and other regions resources are flowing. इस वजह से there is a need कि वहाँ पे piracy को किसी तरीके से suppress किया जा सके. Therefore the countries have to make a joint effort in this context. लिखो जी. It's a multinational training exercise. National training exercise sponsored by US Africa Command AFRICOM. And conducted by US Naval Force Africa Naval Force Africa to assess and improve
assess and improve the combined maritime law enforcement capacity, combined maritime law enforcement capacity along with promotion of national and regional security, in East Africa, as well as information sharing, planning and operating, Next, Fateh Submarine. Fateh Submarine. It is basically a domestically produced Iranian submarine that is capable of firing a cruise missile. Iran ki hai submarine hai, firing, capable of firing a cruise missile. Likho ji. It's a domestically produced submarine by Iran, and it domestically produced, which is capable of firing cruise missile It is Iran's first submarine with semi-heavy category. Next, Human Capital Index. कौन रिलीज करता है? The Human Capital Index is a part of the World Development Report and is therefore released by the World Bank. It is a program of advocating measurement or analysis of the awareness that is there, and they also want to raise more and more awareness among the population in a way that they wanted to build a human capital. जैसे आप लोग भी देश के लिए रिसोर्स हो, उसी हिसाब से दे वांट टू बिल्ड अ ह्यूमन कैपिटल इन अ वे, एंड देयरफॉर हैज थ्री कंपोनेंट्स. द फर्स्ट इज क्रॉस कंट्री मेट्रिक, सेकंड इज प्रोग्राम फॉर मेजरमेंट ऑफ टू इन्फॉर्म अबाउट द पॉलिसी एक्शन दैट इज देयर, एंड ऑल्सो प्रोग्राम टू सपोर्ट द कंट्रीज स्ट्रेटजीज ऑन हाउ इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सेलरेटेड. मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट कैन बी डन बेसिकली इन द ह्यूमन कैपिटल, इंसानों को ट्रेनिंग देने के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट एंड अदर थिंग्स दैट हैज टू बी डन. इसी कंटेक्स्ट में आपको पूछा जा सकता है या तो इसके कंपोनेंट्स क्या है या रिपोर्ट कौन तैयार करता है. लिखो जी. फर्स्टली लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक, सेकंड इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. Third, it has three components. First, program of measurement and research
टू इन्फॉर्म पॉलिसी एक्शन, टू इन्फॉर्म पॉलिसी एक्शन पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ सपोर्ट, सेकेंड पॉइंट प्रोग्राम ऑफ सपोर्ट फॉर कंट्री स्ट्रेटजीज टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थर्ड क्रॉस कंट्री मेट्रिक METRIC दैट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एक हो गया था कैपिटल कंजर्वेशन बफर, है नहीं कल क्लास में नहीं पहले का हुआ हुआ है, चलो यार रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। इट इज बेसिकली कैपिटल कंजर्वेशन क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ द मैंडेटरी कैपिटल कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल ओवर एंड अबव द मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज टू मेंटेनिंग, कि कितना आपको कम से कम एक बफर चाहिए। एक तो आपको रेगुलेटरी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल CLR SSR एंड अदर थिंग्स आर देयर, उसके ऊपर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ द बफर दैट इज रिक्वायर्ड कि कोई भी ओवरकम दैट कैन बी मार्केट फ्लक्चुएशन और एनी अदर थिंग दैट कैन बी देयर उसको ओवरकम करने के लिए है। मेरे को खुद याद है कि है, ठीक है कोई बात नहीं। सेकेंडली द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ बफर ऑफ 2.5% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स। ये क्या होता है, उतना ही होना चाहिए, हाँ जी एक सिंपल सी बात है, आप बोल रहे हो जितनी एक्स वाई जेड अमाउंट ली हुई है उतना ही चाहिए, तो बैंक धंधा ही क्यों करेगा। अरे ज्यादा तो और भी नहीं करेगा आप रिस्क मतलब कि आपका पूरे का पूरा पैसा डूबने वाला है क्या, नहीं है। बैंक विल नेवर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, नेवर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। जितना पैसा आपको लगता है कि यार इतना तो आ जा सकता है, इतना नहीं आएगा, that is a particular amount of the wealth that has been given that can be treated as a risk ki ho sakta hai ye amount of paisa wapas na sake, so therefore uske comparison mein ek some amount of money that is the bank has to give, for example paisa aap leke bhag sakte ho bank se paisa nahi, aap nahi bhag sakte na bank se paisa leke, hanne na agar bhagne ke liye thoda sa dil chahiye jaise Vijay Mallya wagaire kuch hai, सरकार का सपोर्ट चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो किसी भी टाइम पे हो। सो हम और आप तो भागने से पहले 50 बार डरते हैं, दीज पीपल दे डू नॉट वरी। सेकंडली जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे आपके पास फॉर्म बता देंगे जी ये फॉर्म भरो तो आपको लोन मिलेगा, और फॉर दीज पीपल जिन्होंने कैलेंडर्स बनाने होते हैं अपने अपने, ठीक है, और इनके लिए क्या होता है रेड कार्पेट इज बीइंग गिवन, आइए जी हमारे बैंक में आइए और हमसे पैसा लीजिए और ईयरली कैलेंडर्स बनाइए और हमारे ऑफिस में भी दे जाइए, this is what is being done, so they are very easily given the amount of money। अरे हैं और क्या, so that is a certain amount of money that would be there। firstly according to the capital conservation buffer the banks are required to hold a 2.5% of the risk weighted asset in the form of the common equity that would be over and above the capital adequacy ratio CAR के, that is 9%, उसके ऊपर 2.5% some amount of the money that has to be kept by the bank। लिखो जी, it is a mandatory capital
कैपिटल कंजर्वेशन बफर के बारे में लिखू, इट्स द मैंडेटरी कैपिटल। अरे यार मृत्युंजय से मिलोगे ना तो उसको बोल देना पाठक सर आए थे आज ऑफिस में, मृत्युंजय को बोल देना पाठक सर आए थे आज, आज मिले तो बोलते ना। नहीं वो पाठक नहीं और है कोई, इट इज अ मैंडेटरी कैपिटल दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू होल्ड। चलो जी वी हैव टू राय कैपिटल कंजर्वेशन बफर के बारे में लिखना है। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ मैंडेटरी कैपिटल दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अबव मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अबव मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फुल स्टॉप। अंडर कैपिटल कंजर्वेशन बफर नॉर्म्स the banks are required to hold a buffer of 2.5%, a buffer of 2.5% risk weighted assets in the form of common equity, in the form of common equity over and above capital adequacy ratio of 9%. Next, National Financial Regulatory Authority. एक्चुअली पाठक सर वो सर जिससे हमने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद कोचिंग, जो मिश्रा जी यहाँ पे थे उनके पास आए एंड वहाँ पे काफ़ी बड़े ब्लंडर्स हुए, जो पढ़ा कुछ और रहे थे, काम कुछ और हो रहा था, मतलब कि इट वाज नॉट व्हाट शुड हैव बीन टॉट। तो बट ही वाज टीचिंग हिस्ट्री गुड एट दैट पॉइंट, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाते थे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उस टाइम पे अलग अलग होता, 2010 में अलग अलग होता था, प्री का पेपर ऐसा नहीं होता था, इट वाज जनरल स्टडीज पेपर दैट वाज देयर, उसे 150 क्वेश्चंस आते थे, और ऑप्शनल पेपर होता था जो आपका सब्जेक्ट बेस होता था प्रीलिम्स जब शुरू किया था तैयारी। इस वजह से हिस्ट्री मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि पहले मैंने प्रीलिम्स ऐसे दिया हुआ था, 120 क्वेश्चन प्रीलिम्स में होते थे सब्जेक्ट के, और 150 क्वेश्चंस वाज देयर ऑफ उसका नहीं जीएस का, सब्जेक्ट हो जाएगा एक का 120 क्वेश्चंस और जीएस इट वाज 150 क्वेश्चंस दैट वर देयर, और यहाँ से आपको फिर कुछ ना कुछ स्कोर करने पड़ना था। आई हैव रेड फ्रॉम दिस एसएस पाठक सर, और उसके बाद ये बहुत बढ़िया पैटर्न था। उसके बाद इनसे इनके बाद आई केम टू वन ऑफ द यहाँ पे रिनोन फैकल्टी हिस्ट्री के, आपको सब पता ही होगा बाहर मार्केट में नोट्स मिलते हैं। और उसके बाद जब मेंस की टेस्ट वेस्ट सीरीज देने के लिए थोड़ा बहुत एक दो टेस्ट दिए, तब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया कुछ डेढ़ महीने के बाद। उसके बाद रिजल्ट से पहले सॉरी पेपर चेक करना था, पेपर देकर आए, आई वेंट टू एक्स वाई जेड पर्सन, फिर मैंने बोला कि कितने लोगों के कितने ठीक हो रहे थे, कुछ का 50 60 70 80 85 ठीक है, आई हैड 104, वो जो 105 थे कुछ ऐसा स्कोर, इतने क्वेश्चंस ठीक थे। दैट पर्सन डिड नॉट बिलीव दिस एंड ही चेक्ड माई पेपर ट्वाइस, बलियान सर, उसने मेरा पेपर पकड़ा जब पेपर बैठे क्लास में चेक कर रहे थे, हैं नहीं वही है ठीक है। एंड ही चेक्ड माई पेपर ट्वाइस, कहता इतने मार्क्स जब से मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे भी है, कहता अगर मैं भी पेपर सॉल्व करूंगा तो भी इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे, 105 आउट ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, तो इतना ज्यादा हिस्ट्री पे जबरदस्त बोलता है, इनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसको थोड़ा सा सिखाने में। एंड नहीं बलिया नहीं पाठक जी ठीक है। सेकेंडली कि
देन ही कॉल्ड बाई चांस, ऐसे ही 5-7 दिन पहले इनका फोन आया, तो कहते आई डिड नॉट पिक अप द फोन, वाइफ पिक्ड अप फोन, एक्स वाई जेड, कहते मैं पाठक बोल रहा हूँ, तो सर से मिलना है, उनको नहीं पता था कि मैं ही हूँ यहाँ पे, एनी केम, मैंने बोला जी, मैंने बोला बैठो, तो फिर मैंने जब देखा इनको, मैंने बोला तो पाठक जी आ गए हैं, फिर मैंने वैसी बात आने बोल टू रिकॉग्नाइज मी, पहले तो आपकी तरह कटिंग वटिंग होती थी, रहते थे उसी हिसाब से, ठीक है, एंड देन आई टोल्ड हिम, देन ही रिकॉग्नाइज एंड देन ही इवन रिमेंबर्ड, कहता मैंने दूसरे जब टीचर से ही बात करी थी कि दिस इज द हाईएस्ट स्कोर दैट हैज बीन स्कोर्ड इन हिस्ट्री एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, उसके बाद तो एग्जाम थी, उससे पहले इतना स्कोर कभी नहीं आया था, एंड फिर नाउ ही वुड बी मोस्ट प्रोबेबली कमिंग एंड टीचिंग हिस्ट्री, मेंस वाले जीएस का मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेंस वालों के लिए हिस्ट्री, जिसके ऑप्शनल होंगे ही वुड बी कमिंग एंड टीचिंग ज्वाइन, तो हार्डली इट हैपेंस कि जिससे आप पढ़े हुए हो वही उसके साथ ही आप पढ़ाने भी लग जाओ तो थोड़ा सा ठीक है, एंड दैट विल ऑलवेज बी, लेकिन काफ़ी अच्छा होल्ड है इनका हिस्ट्री के ऊपर, एंड ही वुड बी टीचिंग दिस हिस्ट्री फॉर द ऑप्शनल्स, देखते हैं क्या बनता है, क्या था एन बी आर ए, हाँ बोलो बोलो मैं बताता हूँ, बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ जी बताओ क्या बोला, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इट इज बेसिकली, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एंड एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर टू ओवरसी द ऑडिटिंग प्रोफेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, whether the auditing and other things are being done in a right manner or not in a right manner. Therefore, national NFRA is there, rules have been made and rule was issued in 2018. It is basically to oversee the auditors of the banks, insurers, electricity. Because what was happening is insurance companies mein, banks mein, electricity department mein, there was non-performing assets that was increasing. And one of the reason was that the audit has not been done properly. And therefore now it has been said that the audit, there would be someone who would be overseeing that particular department who are doing audit. They can be investigate the auditors of listed companies that are there. With a paid up capital of not less than 500 crores or annual turnover ho sakta 1000 crore unko audit kiya jayega, or it can be those jinka deposits are less than 500 crores, alag alag companies hogi aapke liye normally leke ye chal sakte ho NFRA, it is a rule basically in which the auditors will be audited, ki aap auditors jo in field mein inko audit karna hai wo simple mein likho ji, it's an independent regulator to oversee the auditing profession and accounting standards. Auditing profession and accounting standards. Second point, NFRA Rules 2018. NFRA Rules. First, it will oversee the auditors of banks, insurers, electricity firms, insurance wale, electricity firms and other entities referred to it by the government. नेक्स्ट बाबा कल्याणी कमेटी करवा दिया, बाबा कल्याणी कमेटी हो गया एससीजेड के लिए, एटी प्लस अरे अरे ज्यादा पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अरे आप यूपी आप सिलेक्शन हो जाओगी तो आपको भी रिपोर्ट विपोर्ट आती जाती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ
महेश रिपोर्ट ठीक है जी। हाँ बातचीत खत्म हो गई, इसके बाद फालतू कोई बात नहीं होने वाली, ठीक है। एंड आई एम वेरी सीरियस, अगर फालतू बात करनी है मूव आउट ऑफ द क्लास, जितना ही वहां पे बातें करनी है यू कैन इजीली डू इट, नॉट इन द क्लास। इट बेसिकली तलोना डायलॉग इज कंसर्न्ड विद ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। देखो जी, कंसर्न्ड विद ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, ड्रॉट्स इन इंडिया, राइट ओवर हियर इज चेंज इन, देर हैज बीन अ चेंज इन टर्मिनोलॉजी, that has been made. First is normal, yahan pe likh lo old and new name, first is same normal, iske aage likho percentage departure of the realized rainfall, percentage departure of the realized or the rainfall is within plus minus 10%, is within plus minus 10% of the long period average, of the long period average, percentage departure of the rainfall is within plus minus 10% of the long average period. Second, below normal, below normal, दोनों नेम सेम है, ओल्ड एंड न्यू आर सेम, द परसेंटेज डिपार्चर इज लेस देन 10%, लेस देन 10% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। नेक्स्ट इज अबव नॉर्मल, अबव नॉर्मल परसेंटेज डिपार्चर इज मोर देन 10%, नेक्स्ट में दो नाम लिखने हैं, ऑल इंडिया ड्रॉट ईयर ओल्ड नेम, और ब्रैकेट में नया नाम लिखो डेफिशिएंट ईयर। व्हेन रेनफॉल डेफिशिएंसी इज, व्हेन द रेनफॉल डेफिशिएंसी इज मोर देन 10% and 20-40% 10% and 20-40% area of the country is under drought conditions, is under 40% of the area of the country is under drought conditions. Next, old name hai All India Severe Drought, All India Severe Drought Year, ब्रैकेट में नया नाम लिखो लार्ज डेफिशिएंट ईयर, लार्ज डेफिशिएंट ईयर, आगे लिखो व्हेन द रेनफॉल डेफिशिएंसी, when the rainfall deficiency is more than 10%
and when more than 40% and when more than 40% of the area is under drought condition. Next, Dubai Declaration. To measure the progress of sustainable development goals. Next, Global Wage Report. By ILO, yes. Prepared by ILO. Global Education Monitoring Report. Global Education Monitoring Report. Kon? UNESCO. Next, Asian Development Bank Strategy. Basically, it is a response that has been given by Asian Development Bank on how and what are the vision of it, what is the strategic response that it would be giving to the developments and the needs of Asia and the Pacific region. Uske liye aane wale time mein kya iska response rahega, uski strategy. Likho ji. Ho gaya tha ye. Arey haan jana. लिख लो जी, दो लाइन तो है. इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ एडीबी, इन विच इट सेट आउट इट्स ब्रॉड ऑब्जेक्टिव कॉमा विजन एंड रिस्पॉन्स. ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, विजन एंड रिस्पॉन्स to the evolving needs of Asia and Pacific. Revise karo isko. लिखवाए तो है आपको. पढ़ना तभी तो लिखवाया है. अरे कुछ ना कुछ हो रहा है.
क्या गांधी छाप दिया? अच्छा ये भी किस्मत है ना। नहीं नहीं हो जाता है, लास्ट ईयर बहुत कहा हुआ है। हाँ मैंने ही बोला था कि शुरू शुरू में मत भरो फॉर्म। आप बोले तो नहीं मैं तो यह फॉर्म ना कहीं खत्म हो जाए। चलो अच्छा नेक्स्ट इज रेनके कमीशन एंड आईडेट कमीशन। किसके लिए है? इट इज फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स, पता है ना। नेक्स्ट इज ड्रग प्राइस मॉनिटरिंग। कहां का है बताओ? मैं बताता हूँ। नहीं नहीं वो नहीं हुआ, यहाँ तो हुआ। आजा आजा बाकी है। क्यों लास्ट क्लास है? नहीं कोई कम से कम तीन क्लास और पड़ी है। तीन हाँ आओ बैठो, आगे आके बैठो। हाँ आजा बाकी आजा। ड्रग प्राइस मॉनिटरिंग, देयर हैज बीन द चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स दैट आर बीइंग रिक्वायर्ड। एसेंशियल ड्रग्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं एंड देयरफॉर केरला वांट टू मॉनिटर सच ड्रग्स। सो देयरफॉर केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फॉर अ सेटअप अ प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट सो दैट द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल ड्रग्स दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसेस। लिखो जी, केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट to set up a price monitoring and research unit for tracking the violation of price of essential drugs and medical devices Next, Supreme Court on Delhi. There was a tussle that was going on between Delhi and the center, and the case was referred to the Supreme Court, under which the Supreme Court said that the Delhi government will be having power in various areas, for example fixing of the land revenue, power to appoint or deal with the electricity commission or the board, or appointment of the special prosecutors. But on the other hand, isko chhod ke various other power that would be there with the center only, for example anti-corruption branch ke liye, for example setting up of the inquiry commission. These are certain areas जो important powers है जो केजरीवाल कुछ भी कहते रहो, जो केजरीवाल एक दिल्ली स्टेटहुड की डिमांड है, बहुत ही लॉजिकल डिमांड है।
कोई गलत नहीं है, दैट शुड बी गिवन एज अ, ठीक है, काम कर रहा नहीं कर रहा, जब भी कल परसों फिर बिट गया बेचारा ऐसा नहीं होना चाहिए ना. अब है हाँ, अब ऐसा वोट नहीं डालनी मत डालो, नहीं मार क्यों रहे बेचारे को है. एक्चुअली क्या कि एम्बिशन इतना बड़ा गुब्बारा बना देते हो ना कि हम ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है. कैन नॉट फुलफिल ऑल द एक्सपेक्टेशन, और लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता. फिर भी अगर तमाचा खा के सीएम बन रहा तो क्या बुरा है लिखो जी, सही बात है. द कोर्ट सेड The Delhi government will enjoy power over three areas. That is, first, power to appoint or deal with, power to appoint or deal with Electricity Commission or Board. Second, appointment of special public prosecutor or law officers. Third, Fixing land revenue rate. Next, the powers that are given to center are first, power to appoint inquiry commission. Second, Delhi Anti-Corruption Branch cannot investigate central government employees. Next, alag se, whereas the court said, The power of control over service matters which involve transfer and posting of the officers shall be referred to the larger bench. Next, bench. 125th amendment bill kaun sa hai? Wo kaun sa tha? It basically has been introduced in the Rajya Sabha to increase the financial and the executive power that are been given to the autonomous council in the sixth schedule. Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura rahe un logon ko zyada se zyada autonomy dene ke liye, autonomous councils ko zyada se zyada power dene ke liye in the field of financial and the executive side, this amendment has been introduced. Likho ji. To increase the financial and executive power
of 10 autonomous councils and executive powers of 10 autonomous councils in the 6th scheduled area of the northeastern region which involve the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. Next, heat wave. क्या होता है? टेम्परेचर हो चुका ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, है? अरे कारा चार बार हो, कोई बात नहीं. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. क्या हो रहा है, क्यों न्यूज में है? हो गया ना पक्का? हाँ बस ठीक है. निर्भया फंड भी हो गया? हो गया. नेक्स्ट इज विजन जीरो कंसेप्ट. मैं तो रेडी हूं. विजन जीरो कंसेप्ट इज अ कंसेप्ट टू प्रमोट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. उसके लिए कंसेप्ट है, टू प्रमोट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ये भी हो गया. मूव हैक हो गया कि नहीं? हाँ, नीति आयोग का. मूव हैक बेसिकली नीति आयोग के द्वारा है, टू इंक्रीज द मोबिलिटी इन द वेरियस एरियाज. देखो, बाय नीति आयोग टू इंक्रीज द मोबिलिटी. क्यों सर, काफी चीजें तो सर, टूरिज्म मिनिस्ट्री का है, कुछ कल्चर मिनिस्ट्री का है, कुछ एचआरडी मिनिस्ट्री का है, उसका जो सब पार्ट है सर वो तो और ही किसी मिनिस्ट्री का है. तो इंडिया का भी सर नीति आयोग बेसिकली थिंक टैंक है ना. कहना क्या चाह रहे हो, कंफ्यूजन किसके रिगार्डिंग है? अच्छा, याद करना मुश्किल हो रहा है. हाँ. ज्यादा टपड़ो. हाँ, टेस्लास ब्लैक होल. इट इज अ मशीन दैट इज देयर बाय अ कंपनी टेस्ला बेसिकली दैट आर यूज्ड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट दैट विल बी डन इन लद्दाख. For waste management in Ladakh. Next, Hope Portal. ठीक है. बेसिकली
इट वुड बी ए क्वेश्चनेयर दैट वुड बी ऑनलाइन, आप अपना ऑनलाइन क्वेश्चनेयर फिल करोगे रिगार्डिंग द हेल्थ, इट इज रिगार्डिंग द हेल्थ केयर, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म फॉर एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन। आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसको आप फिल करोगे, आपका पता लगेगा आपकी हेल्थ के कैसे बारे में, दैट इज होप पोर्टल। लिखो जी, इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर स्मूथ एंड सिक्योर रजिस्ट्रेशन which provides for a questionnaire to be filled by the healthcare organization. Next, ये खोलो government schemes वाला लेके आ, बाकी नहीं नहीं यहाँ लेके आ, मेरे पास भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो यू हैव टू परचेज फ्रॉम द मार्केट। हैं कहाँ से? वहां पे फर्स्ट इज समीप, मार कर लो, बड़ी सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, समीप पढ़ना है, वन पेज टू पे मेगा फूड पार्क्स का थर्ड पॉइंट क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को करता है, और राइट हैंड साइड पे दोनों पॉइंट प्रधानमंत्री किसान संपदा पूरा पढ़ना है, ऑपरेशन ग्रीन्स के तीन पॉइंट और राइट हैंड साइड वाला दूसरा पॉइंट। पहले पेज थे, हाँ ऑपरेशन ग्रीन का पहले तीन पॉइंट, तो राइट हैंड कॉलम का थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट, नेफर्ड विल बी द नोडल एजेंसी, ठीक है। अक्रॉस स्कीम पूरा पढ़ना है, ओ स्मार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, सागरवाणी फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे मेक टू स्कीम राइट हैंड साइड वाले पॉइंट दोनों, हाँ मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति फर्स्ट टू पॉइंट्स, पेज सेवन थर्ड पॉइंट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, शायद हो भी गया था, पेज नाइन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्ष हंस अभियान, पक्का हुआ कि नहीं हुआ, आशा हो गया था ना, कृषि कल्याण अभियान फर्स्ट टू पॉइंट्स, पेज ट्वेल्व पे परंपरागत कृषि विकास योजना सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, पेज 14 पेज 12 पे है सेवेंथ का फर्स्ट पॉइंट, पेज 14 कृषि विज्ञान केंद्र पूरा पढ़ना है, नेक्स्ट ये हो गया था RVKY रफ्तार 15th, पहले तीन पॉइंट छोड़ के, अच्छा हो गया था ठीक है, नहीं तो सेकंड पहले तीन पॉइंट छोड़ के नीचे वाला पढ़ना है पूरा, पेज 15 19th एंड 20th पॉइंट ऑफ न्यूज, 27 पेज नंबर 17 पे है 27th स्कीम क्वालिटी मार्क के पहले दो पॉइंट, पेज 17 क्वालिटी मार्क अवार्ड स्कीम फर्स्ट टू पॉइंट्स, पेज 18 ऊपर है सहाका 22 फर्स्ट टू पॉइंट्स, ट्वेंटी वन ये शायद हो गया था निधि 21 का फर्स्ट, 22 पेज पे बायोटेक किसान 5 नीचे है सत्यम 8th फिफ्थ एंड 8th, पेज 22 पे फिफ्थ एंड 8th बायोटेक किसान एंड सत्यम,
11th है, पेज 23 पे लोटस एचआर प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली फर्स्ट पॉइंट इज नीडेड। नीचे है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ओनली सेकंड पॉइंट। ट्वेंटी फाइव विकल्प, 27 ऑपरेशन स्वर्ण, सिर्फ पहला पॉइंट। 26 पे नीचे है निवारण और प्रोजेक्ट सक्षम, नेक्स्ट पेज पे है, पूरे पढ़ने हैं, सक्षम पांच छह इकट्ठे कर दिए, 9 से लेके 14 तक पूरे पढ़ने हैं सक्षम वाले है? ट्वेंटी सिक्स पे पहले ऑपरेशन स्वर्ण, देन निवारण, उसके नीचे प्रोजेक्ट सक्षम, नेक्स्ट पेज के 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरे करने हैं। पेज 27 का कर तो लिया मार्क, हाँ यही हो गया, कुछ नहीं है। पेज 32 आरंभ, बीच वाला जो, ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं, आपका ऑलरेडी हो चुका है, बीच में घर पे जाके देखोगे एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। आरंभ मिला 32 पेज पे। 34 प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, सिर्फ पहले दो पॉइंट्स। फार्मा जन समाधान स्कीम, फर्स्ट टू पॉइंट्स। नेक्स्ट भारत नेट का फर्स्ट पॉइंट, और राइट हैंड कॉलम पे पहले पांच पॉइंट। हाँ, कुछ कुछ जो मार्क करवा रहा हूं। पेज 36 दर्पण, फर्स्ट थ्री पॉइंट। पेज 38 जलमणि प्रोग्राम, शायद हो गया था, सिर्फ फर्स्ट टू पॉइंट। पेज 39 ये पूरा करना है, स्टार्टअप स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। पेज 42 नेट, हाँ फर्स्ट पॉइंट, नहीं नहीं दोनों करने हैं, स्टार्टअप स्कीम पूरा करना है, पूरा करना है सब कुछ। पेज 42 निर्यात बंधु स्कीम, इसके नीचे है फोकस मार्केट स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, सेंटर में दिया हुआ है, उसी पेज में बीच में सेंटर में देखो। पेज 44 नेशनल हेल्थ मिशन के ऑल 11 पॉइंट्स। 45 आशा ANM एंड AWW पूरा, पहले तीन पॉइंट्स। जननी सुरक्षा योजना के पहले दो पॉइंट्स, उसके आगे वाला। पेज 47 पे राष्ट्रीय आरोग्य निधि पूरा करना है। 49 प्रोजेक्ट सनराइज के पहले दो पॉइंट्स। 50 राइज के पहले तीन पॉइंट। 51 इंप्रेस स्कीम पूरा। 51 में नीचे अर्पित इनिशिएटिव, फर्स्ट थ्री पॉइंट्स। पेज 52 नीचे है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, फर्स्ट टू पॉइंट्स। नेक्स्ट पेज पे थर्ड पॉइंट, एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स वाला थर्ड पॉइंट, और फिर लास्ट पॉइंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाय नीति। उन्नत भारत अभियान ओनली फर्स्ट पॉइंट। पेज 54 पे नवोदय विद्यालय पूरा। पेज 56 पे शाला सारथी फर्स्ट पॉइंट। 58 नीचे दिया हुआ मैत्री यात्रा फर्स्ट पॉइंट। 60 नव निर्माण स्कीम पूरा। 61 प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम फर्स्ट थ्री पॉइंट्स। नेक्स्ट पेज पे नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट पूरा। 66 साइबर शिक्षा इनिशिएटिव सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। 68 आम आदमी बीमा योजना पूरा करना है, थर्ड स्कीम भी पूरी, फोर्थ भी पूरी, फिफ्थ सिक्स सेवंथ पूरी करना है।
हाँ पूरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड स्कीम दी हुई है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पूरे करने हैं ये। 71 सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, पहले पैराग्राफ भरे पूरे पॉइंट्स। प्रोजेक्ट सक्षम पूरा करना है। नेक्स्ट तेजस्वी नहीं पूरा करना है, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट आम आदमी बीमा योजना पूरा करना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पेज 72। दोनों बैक टू बैक है। 73 पे स्वच्छ भारत कोष हाउस, नेक्स्ट इज हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, हो गया था शायद उसी पेज पे। नेक्स्ट 75 अमृत, हाँ 79 सुदूर दृष्टि, और उसके बाद तमरा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के फर्स्ट टू पॉइंट्स, और नेक्स्ट पेज पे पहला पॉइंट माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज वाला, नई मंजिल हो गया था ना ये फर्स्ट टू पॉइंट, नई रोशनी पूरा, नई उड़ान स्कीम फर्स्ट पॉइंट, 83 इंफ्राकॉन, 84 निधि, 4 अभी इतना ही हुआ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे जो भी है। तो इसको घर पे जाके पढ़ने की कोशिश करना, और कोशिश करना कि याद भी हो जाए, इम्पॉर्टेंट है। और हार्डली एक या दो क्लास मैक्सिमम और लगेगी करंट अफेयर्स के लिए, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी आपको रिवाइज करने की, विच यू हैव टू डू एट होम, मेरी तरफ से है कि आप उसको बार बार रिवाइज कर लो। थैंक यू वेरी मच।